जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो जाएंगे। पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अभी आज 18 जून 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी की तरफ से 2 दिन का लेक्चर सेमिनार आयोजित किया गया, उसको मैंने ज्वाइन किया था। उसमें 2 बातें जो अब जिसके ऊपर में काफी उपापो थी कि कानून कब से लागू होगा, पहले वाले जो कंप्लेंट होंगे उस पर क्या होगा, बाद में जो केस होंगे पुराने वाले उसमें नए प्रोसीजर होंगे कि क्या होंगे, ये सारी जो दुविधा थी आज उसमें सवाल पूछे गए। और जो लेक्चरर साहब थे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्पष्टीकरण दिया और उसका संविधान का भी हवाला देते हुए उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया है। तो आपको उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। ये मेरा लेक्चर वीडियो नंबर 12 है, जिस जो कि 11 जो लेक्चर मैंने डाले हुए हैं मेरे रमेश सहरिया चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, जो नए कानून से रिलेटेड हैं और पुलिस ऑफिसर से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम न्यू वर्सेस ओल्ड लॉज, कब कब कौन कौन। तो कब कौन सा कानून कब लागू होगा, पुराना कानून नया कानून लागू होने के बाद क्या होगा, प्रोसीजर का क्या होगा, ये आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, भारत मैंने लिखा है BNSS प्लस BSA, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये प्रोसीजरल और एविडेंस से रिलेटेड है। ये आपको जो काम करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव काम करेंगे, यानी ये पुराने वाले जो मुकदमे हैं, जो 1 जुलाई के पहले जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं IPC के अंदर में, तो आप साफ तौर पे मन में बिठा लें कि 1 जुलाई के बाद IPC के जो मुकदमे पहले से दर्ज है उसमें अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का प्रोसीजरल एस्पेक्ट उसमें है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो दी गई है प्रोविजन उनको फॉलो करना है। सपोज करें कि कोई मुकदमा जनवरी 2024 को दर्ज है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो उसमें जब आप सर्च एंड सीजर अब करेंगे 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद, तो उसमें धारा 105 की जो प्रोसीजर है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द सर्च एंड सीजर, धारा 185 में जो प्रोविजन है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी जो पुराने IPC के मुकदमे उसमें भी होंगे, जो नए होंगे उसमें भी होंगे। ये कोर्ट का जो प्रोविजन है वो भी कोर्ट के अंदर में जो प्रोसीजर है, प्रोसीजरल लॉ में जो चेंजेज आई है वो है। तो ये मान के चलिए कि प्रोसीजरल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिट्रोस्पेक्टिव काम करेगा। धारा उसके लिए जो रिलेटेड है वो 531 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सबसे आखिरी धारा है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। सारे लोग को समझ में नहीं आएगा तो उसको इंटरप्रेटर लोग समझाते हैं, जैसा कि आज समझाया है, मुझे भी आज क्लियर कट इस बारे में समझ में आया है, तो मैं आप सबको ये बात बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों BNS की, यानी कि जो हमारी धारा है IPC के बदले जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन इसमें जो मेन चीज है ध्यान देने की, ये है कि 1 जुलाई के पहले जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो ध्यान देने की बात है, ये जो ड्रॉप बॉक्स में लिखा है मैंने डेट ऑफ इंसिडेंट, अगर डेट ऑफ इंसिडेंट 1 जुलाई के पहले का है, यानी 30 जून तक का है, 30 जून 2024 तक का है, तो उसमें अब 1 जुलाई के बाद जो मुकदमे दर्ज होंगे वो IPC की धारा में ही दर्ज होंगे, क्योंकि वो डेट ऑफ इंसिडेंट उसका 1 जुलाई के पहले का है। तो इसमें कोई भी एम्बिग्युटी नहीं है दोस्तों। हमारे मॉड्यूल जो होंगे, NCRB जो मॉड्यूल तैयार करेगा FIR दर्ज करने का, BNS का भी मॉड्यूल, BNS का भी मॉड्यूल रखेगा और IPC का भी मॉड्यूल रखेगा, यानी कि अब जो मुकदमा हम दर्ज करेंगे वो ये देख के दर्ज करेंगे कि डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है उसकी। उसी प्रकार जो डिलीटेड ऑफेंस है दोस्तों, जो ऑफेंस डिलीट, जैसे कि धारा 377 नए कानून में डिलीट कर दिया गया है, उसके बदले कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई है,
अगर वही धारा 377 की कोई रिपोर्टिंग है कि कोई कहता है कि भाई 15 जून को उसके साथ में धारा 377 का ऑफेंस हुआ है, तो वो अगर 15 जून को हुआ है तो अगर 10 जुलाई को भी मुकदमा दर्ज करेंगे तो धारा 377 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि वो ऑफेंस उस समय हो रखा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब जो है रिपोर्टेड अर्लियर और ऑफेंस अकर्ड प्रायर, अगर अर्लियर रिपोर्ट किया गया है या ऑफेंस प्रायर है हुआ है तो मुकदमा पीएनएस के बदले आईपीसी में दर्ज होगा, और जो इंसिडेंट 1 जुलाई और 1 जुलाई के बाद का है और डेट ऑफ इंसिडेंट उसके बाद का है और वो रिपोर्ट होता है तो वो मुकदमा दर्ज होगा आपके बीएनएस के अंदर में, ठीक है। और प्रोसीजर के बात करते हैं हम, तो प्रोसीजर के बारे में आपको बात कर दिया। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी के लिए बनाया दोस्तों कि आप लोग को मैं समझा सकूं कि जो कानून है, कानून को हम किस प्रकार से लागू करेंगे, तो क्लियर कट है। पुराने मुकदमे के अंदर में जो तफ्तीश चलती रहेगी आईपीसी वाली, उसके अंदर में जो प्रोसीजर होगा 1 जुलाई के बाद हम बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोसीजर अपनाएंगे। 1 जुलाई के पहले का जो भी इंसिडेंट हुआ है रिपोर्ट, या डेट ऑफ इंसिडेंट 1 जुलाई के पहले पहले का है, रिपोर्ट बाद में भी अगर हो रहा है, यानी कोई अगर अगस्त में रिपोर्ट करता है और कहता है कि इंसिडेंट मेरा जून में हुआ था या और प्रायर हुआ था, तो डेट ऑफ इंसिडेंट से उसको पकड़ेंगे, यानी कि काफी दिनों तक आईपीसी का मॉड्यूल हमारे कंप्यूटर में रहेगा जिसमें कि हम आईपीसी में मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसको क्लियर कट कर दिया गया है। और साथ साथ ये उन्होंने बात करी संविधान की धारा की, बात करी कि संविधान की धारा में ये है कि भाई अब आप देख ले, इसका मतलब छोटा सा मतलब समझ लें कि चोरी की जो धारा थी, गाड़ी चोरी की, वो 379 में पहले दर्ज होता था, 3 साल का सजा था। आज की डेट में गाड़ी चोरी का मुकदमा 379 के में नहीं, 380 के कॉरेस्पॉन्डेंट 305 में दर्ज होगा, जिसमें सजा 7 साल कर दी है। तो आप ही सोचे कि कोई भी अगर प्रायर इंसिडेंट है, अगर कोई मुकदमा अभी दर्ज कर देंगे, उसको 305 में दर्ज करेंगे तो उसके साथ ज्यादती होगी, उसको तो उस चोर को क्या पता था कि 7 साल सजा हो जाएगी, वो तो चोरी अगर कर रहा था उसके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में था मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो 3 साल तक की सजा होगी, तो उसके साथ अन्याय वाली बात हो जाती है। तो अन्याय उसके साथ ना हो, कानून कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसका ध्यान रखते हुए ये कहा गया है। ये बीएनएस प्रोस्पेक्टिव है, बीएनएसएस एंड बीएसए रिट्रोस्पेक्टिव, ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा और नए सब्जेक्ट को लेकर के, आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट पे क्लैरिफाई करना है तो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारा जो चैनल है रमेश सहरियार, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें और भी आपको वीडियो मिलेंगे, और नया वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। जय हिंद दोस्तों।